हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट, आप सब स्वस्थ और मस्त हो। आप सब स्वस्थ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। आप सबकी हर इच्छा पूर्ण और वो हर इच्छा भी पूर्ण होती जाए, मेरे दिल से दुआ है, मेरे ईश्वर से दुआ है। आप सबका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। आप सबका सोल पर्पस पूरा हो, आप सबकी रीयूनियन हो। सो माई सोल फैमिली, माई व्यूअर्स, माई सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस। यूं ही चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मैं देख रही हूँ माई सोल फैमिली, माई व्यूवर्स, माई सब्सक्राइबर, आप अपने ऊपर बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस खो देते हो। लेकिन डियर, तीन बातें गांठ बांध लेना डियर, पेशेंस, बैलेंस और विश्वास। इसको गांठ बांधिए और सफलता की सीढ़ी चढ़ जाइए, आपको सारी खुशियां मिलने वाली है। तो चलिए, आज मैं आगे आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी बताती हूँ। उससे पहले आपके ऑल साइन बताती हूँ, जिसमें अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन है डियर, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन सा साइन मुझे ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं डियर। वैसे तो ऑल साइन है, जैसे मुझे दिख रहा है टॉरस, टॉरस, एरिस, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, भर्गो, स्कॉर्पियो। टॉरस बहुत स्ट्रांग है डियर, लियो स्ट्रांग है, कैंसर स्ट्रांग है। लियो, टॉरस, लियो, टॉरस और कैंसर और कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, ये बहुत ही स्ट्रांग है डियर। जेमिनाई, ये ऑल साइन के लिए डियर, मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड दोनों के लिए डियर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एज भी बता देती हूँ, 23, 24, 25, 28, 27, 30+, 40+ डियर, यहाँ मुझे आप लोग का एज दिख रहा है, ठीक है। तो डियर, इस ये वीडियो आपको रेजोनेट करता है रखिए डियर, नहीं करता है छोड़ दीजिए। बट आप लोग पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। आपको आज में जीना है, प्रेजेंट में जीना है और हर चीज मैनिफेस्ट आपको प्रेजेंट में ही करना है डियर। तो चलिए, मैं थोड़ा आपका भी एनर्जी पिक करवा रही डियर। मैं सोल फैमिली को देख रही हूँ, कुछ ना कुछ उनको निगेटिविटी, उनको प्रॉब्लम कर रही है डियर, स्टक, परेशान है, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है उनको। उनके लिए है डियर कि प्लीज आप अपने ऑरा को लॉक कीजिए, ऑरा को क्लीन कीजिए। आप जब भी नहाने जाते हो, स्नान करने जाते हो, तो कम से कम वीक में 2 दिन तो आप नमक डालकर, सेंधा नमक डालकर उसमें जरूर नहाओ डियर, ठीक है। और जितना आप अपने ऑरा को क्लीन करेंगे तो उतना ही निगेटिविटी आपके लाइफ से दूर जाएगी। आपके घर में डियर, मुझे लग रहे हैं माय व्यूवर्स के घर में कुछ ना कुछ पुराने सामान है डियर, उन्हें भी घर से बाहर निकालना है, ठीक है। हो सकता है अलमारी में आपके कपड़े सही से ना हो, उनको एडजस्ट कीजिए। कुछ पुराने सामान हो, पुराने मोबाइल हो, जो इधर उधर रखा हुआ है, वो जो काम का नहीं है डियर, उसे बाहर रखिए, ठीक है। जो कपड़े आपके पुराने हैं, आप उसे नहीं पहन रहे और वो कोई पहन कर उसको यूज कर सकता है, फटे पुराने बिल्कुल नहीं, जो आप कपड़े पहन रहे और वो कपड़ा आप नहीं पहनना चाहते हो डियर, वो कपड़े आप किसी को दान कर सकते हो। कुछ ब्लॉकेज वहां से भी आ रही है डियर, ठीक है। तो कुछ के लिए है गुप्त दान करना है डियर, चैरिटी करना है, तो चैरिटी दान जो होता है डियर, ये गुप्त होता है, ठीक है। ये आपके लिए होता है, आपके कर्मा क्लियर करने के लिए होता है। आप जितना हो सके दान दीजिए, गुप्त दान कीजिए, अमावस्या पूर्णिमा के दिन खास तौर पे कीजिए, गरीबों को खाना खिलाइए। मैं देख रही हूँ माय व्यूवर्स बहुत कुछ व्यूवर्स को मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में निगेटिविटी है। कुछ लोग हैं, कुछ ब्लॉकेज हैं, कुछ आस पास कुछ आपको लोग बुरा करना चाहते हैं, बुरा देखना चाहते हैं, इसलिए खुद को बैलेंस कीजिए और आगे बढ़िए। ये सब आपको करना है डियर, ठीक है। मैं आपकी और एनर्जी देख रही हूँ डियर। आने वाले समय में मुझे लग रहा है डियर कि आप अगर काम करते हो तो अभी की एनर्जी ऐसी आप लोग की दिख रही, कुछ के लिए है, काफी परेशान है, हेल्थ को लेकर डिप्रेशन है, टेंशन है, कुछ के लिए। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है डियर, बहुत ही अच्छे से काम किया, जो कि अपने गोल्स की ओर बढ़ रही हैं, ठीक है। अपने गोल्स की ओर बढ़िए, अपने करियर के ऊपर फोकस करने वाली आने, मतलब अपने फोकस करें अपने करियर, फाइनेंस के ऊपर डियर। अभी वो परेशान है,
कुछ ना कुछ उनके लाइफ में फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अपने गोल्स की ओर फोकस करने वाले आने वाले वीक में, मंथ में बहुत ज़्यादा ये काम करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं कुछ उनके लाइफ में कार्मिक से डील कर रही हैं। ध्यान रखिए डियर, जो आपके पास कार्मिक है आपका वो बुरा चाहते होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और उधर ना जा करके आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा सिचुएशन लग रहा है डियर, कुछ तो है, इसलिए आने वाले समय में आप कंफ्यूज ज़्यादा रहोगे डियर। मुझे दिख रहा है कन्फ्यूज़न आपके लाइफ में थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, ठीक है। किसी के लाइफ से, मुझे लग रहा है डियर, किसी के लाइफ से कुछ ना कुछ एंड होने वाला है, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ आप, हो सकता है कुछ परेशानियाँ हो, दुख हो, थर्ड पार्टी हो, कुछ का भी एंड होने वाले हैं डियर आने वाले समय में। करियर को लेकर आप काफ़ी सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो डियर, है ना, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी डियर, वो कॉल मैसेज कर सकते हैं डियर, अभी आपसे कुछ बात शेयर करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है डियर। हो सकता है आप लोग ट्रैवल करें, आप लोग मिले, कुछ के लिए सबके लिए नहीं है डियर, क्योंकि मैं देख रही हूँ आने वाले समय में कुछ के पार्टनर कॉल मैसेज करेंगे, बात करेंगे, उनसे कॉन्टेक्ट होगी और रीयूनियन के चांस मुझे आने वाले मंथ में भी दिख रहा है, इस मंथ के एंड तक भी दिख रहा है डियर, ऐसा एनर्जी मुझे दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर के पेरेंट्स हैं आपको लेकर बिल्कुल नहीं मान रहे हैं डियर, आपको लेकर बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, और आपके पर्सन बहुत ही परेशान हैं, स्टक हैं, मैं क्या करूं नहीं करूं, ठीक है। जो अपने 4D और 5D से कनेक्शन कर लिया, कुछ लोग की रीयूनियन है डियर, आपको गाइडेंस की जरूरत है, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपको लेकर आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं डियर, आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या ये रिश्ता आगे चलेगा, क्या ये रिलेशनशिप चलेगा। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको लेकर कहीं ना कहीं किसी न किसी से गाइडेंस ले रहे हैं डियर, और पेरेंट्स का दबाव है, थर्ड पार्टी का दबाव है, वो आपको मैनिफेस्ट करें, आपको पाना चाहते हैं हर हाल में, लेकिन कुछ ब्लॉकेज, कुछ कन्फ्यूजन जो उनको रोक रही है, और थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रांग है डियर। आने वाले समय में आपका कुछ न कुछ, आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा डियर, कुछ न कुछ सरप्राइज मिल सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ के लाइफ में आने वाले मंथ में सक्सेस आ रहा है आपकी ओर डियर, ठीक है। मुझे लग रहा है कोई पर्सन, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर कोई आपके नए दोस्त भी हो सकते हैं डियर, जो आपसे खुलकर कुछ बात करें। ये कुछ के लिए, कुछ के लिए उनके पर्सन है, कुछ के लिए कोई फ्रेंड है या कोई न्यू पर्सन है जो आपसे कोई बात रखेंगे, आपसे कोई सवाल जवाब करेंगे डियर, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है, कॉल मैसेज कर सकते हैं और आपसे खुलकर कुछ बात कर सकते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ आप दो रास्तों में जगल करोगे, कन्फ्यूजन यहाँ आएगी डियर आने वाले, मुझे वीक में लग रहा है डियर कि आप कन्फ्यूजन रहोगे कि मैं कौन रास्ता जाऊँ, ऐसा आप सोचोगे डियर। हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपको प्रपोज कर रहा हो और इधर आपके पर्सन हो, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप यहाँ कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होगे डियर, या फिर खुद की फीलिंग्स को दबाओगे, या फिर आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज कर फीलिंग्स शेयर करें, ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपसे कुछ बात शेयर करना चाह रहे हैं। आप इंतज़ार बहुत कर रहे हो अपने पर्सन का कि मुझे कॉल मैसेज करें, मुझसे बात करें, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। हो सकता है कि आपके पर्सन कॉल मैसेज कर दें, ऐसा दिख रहा है, अपने दिल की बात कुछ बताना चाहते हैं ताकि उन्हें शांति मिले, पीस मिले। लेकिन झगड़ा मत करना डियर, मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करते हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ कोई सवाल जवाब नहीं करना है डियर। वो क्या करना है, क्यों परेशान है, वो जितना बोलते हैं बस उतना ही सुनना है और अच्छे से बात कर पॉजिटिविटी ही सेंड करनी है, ठीक है। कोई सवाल जवाब नहीं कि आपने इतना मेरे से बर्ताव क्यों किया, आप बात क्यों नहीं किए, कॉल मैसेज क्यों नहीं किए, मुझसे ऐसा बिहेव क्यों किए, आप
कहाँ थे, ये बिल्कुल मत पूछना डियर, बिल्कुल नहीं पूछना। मैं यहाँ बोल देती हूँ, बिल्कुल मत पूछना। वो जैसे हैं उनको वैसे ही रहने देना, ठीक है। आप सिर्फ बात करना तो पॉजिटिव रहकर बात करना, ठीक है, बिल्कुल कोई सवाल नहीं। आपको आने वाले समय में गॉड जस्टिस दे रहे हैं डियर, आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि गॉड आपको जस्टिस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं, ठीक है। ये आपके पार्टनर नहीं, आपके कोई साथी नहीं, दोस्त नहीं, कोई नहीं, ये गॉड हैं, यूनिवर्स हैं, जो आपको जस्टिस देंगे। आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या करो, ये आपके इनर वर्क और ये हार्ड वर्क की वजह से होगा, ठीक है। किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी जा रही है डियर, मैंने शुरू में बोला था कुछ ना कुछ एंड हो रहा है डियर किसी के लाइफ से, सबके नहीं डियर, सबके अपने इनर वर्क, सबके अपने हार्ड वर्क होते हैं, ये सबके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी के लाइफ से थर्ड पार्टी का एंड हो रहा है डियर। लेकिन डियर आप अपने हेल्थ पर पूरी तरह ध्यान दीजिए, आने वाले समय में मुझे लग रहा आपकी थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लेकिन अपने हेल्थ पर ज्यादा फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए आप, ठीक है। और झगड़े लड़ाई बिल्कुल नहीं, कॉल मैसेज आता है तो कुछ भी ऐसा बात नहीं बोलना है जिससे परेशानियां बढ़े और आपको ट्रिगर किया जाए और बहुत दूरियां बढ़ जाए डियर, क्योंकि जो भी कर रहे ये गॉड कर रहे हैं, इसमें आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपके साथ अभी गॉड है, आने वाले 1 वीक में भी आपके साथ यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड है। कुछ के लाइफ में पार्टनर के साथ समझौता हो सकता है डियर, कुछ के जो मैरिड है डियर, मुझे लग रहा ज्यादातर मुझे यहाँ मैरिड दिख रहे हैं, जिनके लाइफ में लीगल इशू चल रहा, हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ समझौता हो सकता है कि आप दोनों मिलकर एक साथ रहना चाहते हो, मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि कुछ के लिए लीगल इशू चल रहा हो सकता है इन समझौता से आप लोगों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिखने को मिलेगा डियर, कुछ के लिए डियर। आप मैनिफेस्ट करो, आपके पार्टनर भी यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और गॉड जस्टिस आपको दे रहे हैं डियर, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको जस्टिस मिले डियर, ठीक है। 1 वीक के अंदर कुछ ना कुछ मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है डियर, आपकी विश पूरी होगी, कुछ गुड न्यूज मिलेगा डियर आपको, कहीं ना कहीं से किसी क्षेत्र से आपको गुड न्यूज मिलेगा, ठीक है। अचानक आपको ट्रैवल करना हो सकता है, हो सकता है आपके पार्टनर ही बोले कि आपके साथ ट्रैवल करना है, या फिर आप कोई सिटी में जा सकते हो, कुछ वर्क को लेकर जा सकते हो, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है डियर ट्रैवल है। कुछ के कर्मा का एंड होने वाला है और आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। तो आपके पार्टनर कॉल मैसेज करते हैं डियर, देखिए उलझना नहीं है, अच्छे से बात करना है। आपके निगेटिविटी से दूसरों को प्रभाव पड़ सकता है, घर की फैमिली मेंबर को पड़ सकता है डियर, ठीक है। इसलिए अपने ऑरा को लॉक कीजिए, सेंधा नमक जो होता है उसे नहाइए और पुराने सामान को घर से बाहर फेंकिए डियर, जो यूज ना हो। कपड़े पहनने लायक हो उसको दान दीजिए, चैरिटी कीजिए, गुप्त दान कीजिए, ठीक है। और देखिए मुझे कुछ लग रहा है डियर कि आप लोग सोच रहे हो कि मैं जिससे प्यार करती हूँ, जो मेरे पर्सन है, या फिर मैरिड हो या अनमैरिड हो, सबके लिए मैं बोल रही हूँ, कुछ लोग के लिए कार्मिक रिलेशनशिप है डियर, कुछ के लिए सोलमेट कनेक्शन है, कुछ के लिए कार्मिक कनेक्शन है, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी का दबाव है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ ना कुछ वो समझौता करना चाहते हैं डियर। मैं मुझे ज्यादा लग रहा है लीगल इशू चल रहा है, हो सकता है ये लोग मैरिड हों डियर, कुछ के बच्चे हों, ठीक है। तो कुछ आपके पार्टनर आपके पीछे आपको लेकर किसी ना किसी से गाइडेंस ले रहे हैं डियर, मुझे आपका भी दिख रहा, आप भी ले रहे हो डियर। लेकिन आने वाले समय में कंफ्यूजन आ रही है, मुझे 1 वीक में देख रहा है डियर, दिख रहा है डियर कि कंफ्यूजन थोड़ा है, आप सोचोगे ज्यादा, दो रास्तों में आपको जगल करना पड़ेगा डियर, सोचना पड़ेगा वहां की क्या करूं और ना करूं। फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर ज्यादा सोचोगे, गोल्स पर आपको फोकस रहेगा, लेकिन कोई निगेटिविटी आपके पास है डियर,
या कोई इंसान हो सकता है, या कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जो आपको परेशान कर रही है, कर भी सकती है। तो प्लीज़ हमेशा अपने आप को बैलेंस बना कर रखिए, गॉड से कनेक्ट रहिए, एंजल से कनेक्ट रहिए और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। पक्षी को दाना पानी दीजिए, पशु को रोटी दीजिए, कुत्ते को रोटी खिलाइए, गौ माँ को रोटी खिलाइए, ठीक है, ये सब कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके ब्लॉकेज हील होंगे, कर्मा हील होंगे। तो ये सब करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है। बस आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके आने वाले समय में आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, स्टक है, परेशान है, थर्ड पार्टी इशू है जो आपसे मिलने देना नहीं चाहते हैं। कुछ मुझे लग रहा है डियर कि आप लोग अनमैरिड हो, तो कुछ की मुझे लग पा रही है कि आप लोग की मैरिज की बात होने वाली है। कुछ के लिए मुझे ऐसा गुड न्यूज में ये भी दिख रहा है डियर, किसी की जॉब है, किसी की फाइनेंस अच्छी हो सकती है, किसी के पर्सनल लाइफ में आ सकते, किसी की रियूनियन हो सकती, ऐसा दिख रहा है डियर। लेकिन अभी का सिचुएशन ऐसा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। हो सकता है अचानक से आपको कॉल मैसेज करें, किसी को ट्रैवल के लिए बोलें, हो सकता है आप दोनों मिलकर बात करें। मुझे यहाँ ज़्यादा यही दिख रहा है डियर, आज की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ बहुत स्ट्रांग मैं देख पा रही हूँ डियर कि आप सोचो नहीं ज़्यादा, आप सोच ज़्यादा रहे हो डियर, और इसी वजह से निगेटिविटी आस पास आपको परेशान कर रही है, ठीक है। कुछ ब्लॉकेज है, ठीक है, उसे हील करना है। खुद को अकेला फील नहीं करना, आपके साथ गॉड है, यूनिवर्स है, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है। अपनी शक्ति को पहचानिए। टाइम लगता है डियर, ब्लॉकेज हील करने में, कर्मा क्लीन करने में टाइम लगता है। वो तो करोगे आप और आगे जाओगे, ठीक है। तो प्लीज अपने ऊपर फोकस कीजिए, जहां है जैसे है। आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले डियर, आप पर फोकस है, दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, आने वाले समय में उनके साथ क्या होगा नहीं होगा, आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। और अभी आपका सोचे कि कमिटमेंट मैं दूं तो कैसे दूं, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं उनको दबाती है, और अभी मुझे लग रहा है कि उनको उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है डियर, जो आपको हील करना है, क्योंकि आप अपना इनर वर्क करें, हार्ड वर्क करें डियर, ठीक है। तो बस आप अपना ये काम पर ज्यादा फोकस करें, ताकि आपके पर्सन के रास्ते खुले, वो पॉजिटिव रहे और आपकी तरफ एक्शन ले डियर, ठीक है। तो चलिए, ये थी आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी डियर। प्लीज पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। हेल्थ पर ध्यान दीजिए, फैमिली पर ध्यान दीजिए, और अपने पार्टनर के लिए हीलिंग सेंड कीजिए डियर, ताकि आने वाले समय में आपके पार्टनर डिसीजन ले पाए डियर, ठीक है। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है डियर, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा डियर। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।